सोनी जी महिवाल जी। रोमियो जूलियट देखो। और अब आज की लेटेस्ट जोड़ी चक्रवर्ती अंगई कन्ने, ये रही उनकी तस्वीर। जब थिएटर में वो फिल्म चलाई थी ना, तुझे सुनाई दे रहा है कोई फैन ताली बजा रहा है? क्या सॉलिड फिल्म बनाई। तुम गुल खिलाओगे ये जानता था, लेकिन सीधा ताजमहल बनाओगे नहीं जानता था। तो अब देखें, लैला या मजनू, कौन किससे ज्यादा प्यार करता है उसका फैसला करते हैं। स्टार्ट। प्लीज सर, पहली बार गलती हुई है, माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर, सर सर प्लीज। तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया है, ये तो तुम्हारे लिए भीख ही नहीं मांग रहा है। सर प्लीज, लगता है तुम्हारे लिए इसका प्यार एक फरेब था। लव नहीं है क्या? सिर्फ टाइम पास कर रहा था क्या? अपने लवर को बचाने के नाम पे इसका मुंह सिल गया। ऐसे कायर को डॉन कहते हो? डॉन डॉन डॉन। हाँ प्यार करता हूं, आगे क्या? तो आगे दो प्यार करने वालों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी। श्वेता मिस सर, कल सुबह 10:30 से शुभ मुहूर्त है, दोनों के पेरेंट्स को इनविटेशन दे दो, शादी करवाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सर सर प्लीज सर सर ऐसा मत कीजिए। नहीं सर। यू आर सस्पेंडेड। सर इन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज सर, प्लीज इस बार जाने दीजिए ना। प्लीज प्लीज सर। यू टू सस्पेंडेड। ये बिल्कुल गलत बात है कि इसमें चक्रवर्ती की गलती है। उसकी क्या गलती है? अरे जब उसने बोला तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी ना, तुमने क्यों नहीं मांगी माफी? ए, मना करने की गलती एक बार कर चुका हूँ, फिर से उसे हर्ट नहीं कर सकता था। उसके बाप को भूल जा, भूमि ने तेरे बाप को सब बता दिया, अब क्या करेगा वो सोच। ए, ए, चुप हो जा यार, वो डॉन को डिसमिस नहीं करेंगे। इनके लिए नहीं रो रहा हूँ। तो आज फिर से चावल की जगह चपाती दे रहे हैं। तेरी तो मंदोस। मारो इसे और मारो, मारो 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 मारो। चावल खाएगा मोटे हैं? और मारो इसे, पेट में मार, पेट में मार। रुको 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 रुको। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो इधर। हाँ अरे आज मेरे ढोल मोनू, क्या आइडिया दिया तूने मुन्ना, अब खेल शुरू। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भूमि इंसान नहीं राक्षस है। भूमि इंसान नहीं राक्षस है। भूमि इंसान नहीं राक्षस है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। भूमि आ गया। टीचर से करने का नहीं। 0.3। हे ठीक से सिलेबस लिखने भी नहीं देते। सर देखिए हड़ताल की स्पेलिंग गलत लिखी है। इसके लिए 2 मार्क्स काट सकते हैं सर। ए उतने ही तो मिले हैं तुझे। थैंक यू सर। चुपचाप अपनी ये हड़ताल खत्म कर दो। ये मेरी निजी समस्या नहीं है, ये हर स्टूडेंट की शिकायत है। क्या शिकायत है स्टूडेंट्स की? मैं इसका खाना सर, किसी फिलोसोफर ने कहा है कि जैसा खाओगे वैसे ही मार्क्स आएंगे। किसी और ने नहीं, इसी ने कहा है सर। अपनी डिमांड साफ साफ बताओ। हॉट न्यूज। इन्हें मेन्यू परोस।
और कितनी लंबी है, कहाँ जा रहा है ये? लिस्ट है कि जन्म कुंडली, शेर का सूप, टाइगर के मोमोज, और ये क्या, वेल मछली की भुर्जी, ऑक्टोपस का पाया, सांप का अचार, शार्क का कबाब, केकड़ा का सूप, केकड़े का सूप भी। सर अगर हम कॉलेज बेच दें तो भी ये मेन्यू पूरा नहीं कर पाएंगे। मत भूलो तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो। ये हम जानते हैं सर, अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग की है। नौकरी करेंगे तो 20,000 सैलरी होगी, पकौड़े बेचेंगे तो हर महीने 2,00,000 का गल्ला उठाएंगे, फिर भी मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार है। हम ऐसे महान लोग हैं सर। इस बलिदान के बदले कॉलेज स्टूडेंट्स को लूटते हैं। हेड में कहा कि कॉलेज शहर के पास है, पर यह है जंगल में। पास में ना थिएटर है ना गार्डन है। सच तो ये है, जब रात को पीने का मन होता है तो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर, एड में इस लड़की को देख के एडमिशन लिया था, बाद में ये बंदर छाप मंजन के एड में दिखी। ये तो कोई मॉडल निकली, बना दिया। और कदम पर धोखा खाया सर। आज के बाद सिर्फ 1 घंटा क्लास होगी। एड में इसी कॉलेज की लड़की होगी, डेट पे जाने की परमिशन भी होगी, इस मेन्यू में लिखी एक एक आइटम बनानी होगी। एक बात और, एग्जाम की डेट लास्ट बेंचेस स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे। मेरी एक बात याद रखना, तुम कभी इंजीनियर नहीं बनोगे। डॉन मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा। बिजू, है बिजू, क्या हुआ? परे हट। सर, खराब मौसम के चलते केरला की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं सर। 2-3 दिन यही स्थिति रहेगी सर, उसके बाद का टिकट बुक कर दूं? आंधी या तूफान कल कॉलेज पहुंचना ही होगा, कोई और ऑप्शन है? फिर तो बाय रोड ही जाना होगा सर। सर, नहीं सर, सड़कों की हालत बहुत खराब है, ऊपर से जंगल का रास्ता, ये काफी खतरनाक होगा सर। रास्ते में हाथी भी मिल सकते हैं, रात को जाना रिस्की होगा सर। जिंदगी भर रिस्की तो उठाएं, चिंता मत करो शंकर। सर ड्राइवर ले जाते हैं, किसी और को खतरे में क्यों डालें, मैं संभाल लूंगा। जिंदगी की सुनहरी यादें इसी में तो बसी हैं, ना जाने कितने लम्हे याद आ जाते हैं। वो तो दोस्त, मेरा प्यार और हमारे प्यारे भूमिनाथ सर, पर सबसे ज्यादा मेरे पापा। बेटियों के लिए उनके पापा मिस्टर परफेक्ट होते हैं और बेटों के लिए पहले हीरो, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा एक सालिम, खड़ूस, हानिकारक बापू थे। बेटी है ना? क्या कह रहे हैं, बेटा हुआ है। बेटा, मैं ऐसे नहीं रोती बेटा। चुप, जाओ क्लास में, चल भाग, जा। जाओ ना बेटा, इसे सर पे चढ़ा के रखा है, अंदर जाओ। थोड़ी देर मसलते रहे। शेर बेटा है मेरा, बिल्कुल नहीं रोया। बुखार कब तक उतरेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। भवानी, दोपहर में इसे स्कूल छोड़ाना। माँ, क्या मेरे लिए एक साइकिल खरीदोगी क्या? एए! किस लिए? आवारा गर्दी करने के लिए? खाल उधेड़ दूंगा। एए! क्या हुआ? उस दिन एक बात तो समझ गया था, पापा की एक ही औलाद थी और वो थी उनकी साइकिल।
थोड़ा लगा ले। तेल नहीं चाहिए, ये स्टाइल है। क्या है ये, फिर से फेल हो गया? हाँ पापा, स्टाइल चाहिए। Hey, पढ़ाई है तो जीवन में सब कुछ है। तेरी गंजी खोपड़ी तुझे ये याद दिलाती रहेगी। उसी दिन मैंने ठान लिया, कामयाब इंसान बनूंगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई से नहीं, अपने अंदर के हुनर से। उसी दिन से अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। Hey, सोच रहा हूँ मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ यार। Hey, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर तो आइडिया कैंसिल सीनियर। Hey, सीनियर बोलना बंद कर, चार बार ही फेल कुछ हुआ। और सोचते हैं सीनियर। एटी परसेंट, हजार बार लिख, 80 से कम नहीं लाएगा। हानिकारक बापू को फिर भी रहम नहीं आया। आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेने ही वाला था कि फैसला हो चुका, वो इंजीनियर ही बनेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों भेजा? कौन सा कॉलेज? रॉकेट धम हुआ मंगल में, कौन बचाएगा इस जंगल में? मैं सबको बचाऊंगी। वो कैसे? इंजन चालू। कौन हो मैडम? मैं एक बीईसी स्टूडेंट हूँ। बीईसी? बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। बेस्ट 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 बेस्ट। New AC Wi-Fi smart classrooms, well-planned laboratories, sports and extracurricular activities with hostel and swimming pools, 60 kilometers from Coimbatore. Best Engineering College, one of the world's finest colleges. Best, best, best! Best, best, best! Hamari guarantee, 100% placement. It's prestigious. Maine to admission le liya. Kya aapne liya? Pahunch gaya. हेलो। हाँ बेटा, हमें जाना है। इस कॉलेज में काय को आया? पढ़ने के लिए। तो जॉब के लिए? तो मुझे नहीं पता, पापा ने डोनेशन दिया इसलिए आया। फ्रेंड्स आ जाइए। हेलो, आई एम मनी। ब्लैक मनी तो नहीं? मैं बाला। मैं चक्रवर्ती। बाला तो टकला था ना। पर ये बाल वाला बाला है। याद रखना, कल से यहाँ झोला लड़का के बताना। वो कहाँ ठीक है। ओके, ऐसे ही करेंगे। ओके। इस कॉलेज में क्यों पधारे? सुना है कैंटीन का खाना कड़क है। अपने लीग का खिलाड़ी है ये। वैसे तुमने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया? अपने टैलेंट से दुनिया को हिलाने और दुश्मनों की पुंगी बजाने वास्ते। अरे बाप रे, गलत जगह बैठ गए। दोस्तों का बैंड नहीं बजाता ये भाई। साइलेंस, ये कॉलेज की मच्छी बाजार है। ए, चुपचाप बैठने के लिए बोला ना। सब कैसा बहरे हो क्या? गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, ना मैनर्स है ना माइंड है। अजगु जी। सर। अरिवु जी। सर। विद्यार्थियों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार? ये जब से आए हैं तब से नाक में दम करके रख। अच्छी बात नहीं है, सरासर गलत है। शोर मचा रहे थे इसीलिए। प्लीज गेट आउट ऑफ माय साइट। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। मुझे ठंड से थोड़ी एलर्जी है, अनुमति हो तो एसी जरा सा कम कर दूं क्या? लेकिन अगर आपकी परमिशन हो तो ही। ओके सर। ओके, थैंक यू। प्लीज। कितना विनम्र आदमी है। स्टूडेंट्स, जब आप 12वीं में थे तो टीचर्स ने घिसाई की होगी, कहा होगा लेकिन अगले 4 साल फुल मौज मस्ती कर सकते हो। सही कहा। और आज फर्स्ट ईयर कॉलेज में ये आपका पहला दिन है। क्या मैं आपको एक राज की बात बता सकता हूँ? यस सर। आप लोगों के साथ तो धोखा हो गया है। अगले 4 साल आपकी खटिया खड़ी होगी। समझ में नहीं आया?
ये एक ऑटोनमस कॉलेज है। हर बात के कुछ कायदे और कानून हैं, जैसे कि यहाँ बिना आईडी नो एंट्री, टी शर्ट जीन्स नहीं पहन सकते, मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीनियर जूनियर वाली ग्रुपबाजी नहीं होगी, खेल संगीत नाटक कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि नहीं की जाएगी। और एक चेतावनी, कॉलेज कैंपस के अंदर लड़के और लड़कियां कभी साथ नहीं दिखने चाहिए। शादी से पहले ही तलाक हो गया। चाहो तो डिक्शनरी देख लो, लव और रोमांस जैसे शब्द पीछे के पन्नों पर आते हैं, लेकिन वही डिसिप्लिन और एजुकेशन जैसे शब्द प्यार और इश्क से पहले आते हैं। सो डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट और उसके बाद सब कुछ। कॉलेज में आना है, क्लास में बैठना है, परीक्षा देनी है, डिग्री मिलते ही यहां से कल्टी मारनी है। अगर यहां बैठे एक भी स्टूडेंट ने मेरे किसी भी कानून को तोड़ा ना, तो ग्रेजुएशन नहीं करने दूंगा। बात भेजे मैं खुशी, समझ में आया? समझ गए। वेलकम टू बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं हूं भूमिनाथन, आपका डिसिप्लिन कमेटी है। ये भूमि इस कॉलेज का डॉन है। वो किस लिए सीनियर? देखा नहीं कॉलेज को कैसे अपनी मुट्ठी में रखता है। उस डॉन से कहना कभी हमसे पंगा ना ले। स्टॉप। अरे बाप रे। चलती हूँ। ना गले में आईडी कार्ड है, ना फॉर्मल पैंट है, ना ही फॉर्मल जूते हैं। एक कबूतरी से वो भी सीनियर गुटरगु चालू है। हा? हाथ में मोबाइल भी है। सर भूमि सर को मत बताना प्लीज सर। भूमि गया तेल लेने, वो यमदूत है तो हम यमराज। स्टेज पे सुनाई देती है भूमि की आवाज, पर होते हैं हमारे अल्फाज। एक बार हमने किसी को कॉलेज से निकालने की ठान ली ना, भूमि क्या उसका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। 200 200 200 2 × 3 हुआ, चल 1000 दे और निकल यहाँ। अरे टोटल 600 हुए ना सर। जुबान लड़ाने की एक्स्ट्रा 200 पेनल्टी लगेगी। कोड़ी नहीं मिलेगी। हाँ क्या बका? अजगो अरबू, मुझे यहाँ बगावत की बू सी आ रही है। नहीं ये अदावत है, देखने में मासूम मेमना दिखता है। मुझे तो लोमड़ी लगा, तू गया काम से। अजगर क्या? एनाकोंडा। क्या बोला तू? दोनों गए काम से। भूमि गया तेल लेने, वो यमदूत है तो हम यमराज। आया मजा? फिर से तोलमोल करें, बताओ कितना फाइन देना। किसी और को बकरा बना लेंगे। मस्त शेयरिंग हो जाएगी। उस डेंजर भूमि और हानिकारक बापू को चकमा देने के कई पैतरे सोच डाले, ताकि कॉलेज पूरा करने तक अपनी मर्जी से जीते हुए फुल टू मस्ती कर पाऊं। पहला काम था पापा के कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर डालना, दूसरा एजेंडा था अपना रिजल्ट बदल देना। सुबह क्लास में रजनीकांत की फिल्में देखता और रात को छुपके कातिल जवानी देखता। बिना एग्जाम दिए कहां जा रहे हो? हॉल टिकट रूम में भूल गए। आज नाश्ता करना भी भूल गए थे क्या? कैंटीन चल के नाश्ता कर लेते हैं। हमें यकीन था अपनी इन चालबाजियों से हम कॉलेज के 4 साल आराम से गुजार लेंगे। देखो तुम्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग करने को कहा था ना, तुम तो मोनालिसा बनाने लग गए। हे टाइटैनिक लव, पता ही है इसके लिए कौन सा चॉकलेट लेकर आया था? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। सिल्क। सिल्क। सॉरी सर। तो अब हीरो या फिर हीरोइन कौन ज्यादा प्यार करता है उसका एग्जाम लेंगे। पहले तुम इसके लिए रहम मांगोगे, उसके बाद ये तुम्हारे लिए भीख मांगेगी। स्टार्ट। सर प्लीज सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर एक चांस दे दीजिए सर। इतने से क्या होगा सर? ऐसे नहीं होगा सर, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर, प्लीज सर, इस बार जाने दीजिए, प्लीज सर, सॉरी सर। दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। नो प्लीज प्लीज सर, सर 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 प्लीज सर सर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे सर, आई एम वेरी सॉरी सर, एक आखिरी मौका दे दीजिए।
You are suspended. You two suspended. अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे सर. प्लीज सर, मैं मर जाऊंगी सर. तो मर जाओ. मेरे कॉलेज में इश्कबाजी करोगे? प्लीज मत रो सीनियर, मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा. प्लीज आप रोइए मत. प्लीज. हॉट न्यूज. क्या है? भूमि कॉलेज छोड़ के चला गया. क्या कहा? लेकिन ये हुआ कैसे? रशिया की सेंट पॉल यूनिवर्सिटी में भूमि के नाम से विजिटिंग प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और वो लोग उसे बुला रहे. ऐश करेगा वहां जाके भी. अबे रशिया का टेम्परेचर -8 डिग्री है, सुसु जम के बर्फ बन जाएगी. जॉब तो मिल गई पर वो जाएगा क्या? उसका बाप बोलेगा तो पक्का जाएगा. पासवर्ड क्या होगा उसका? उस सनकी का पासवर्ड श्वेता टीचर होगा. तू टाइप तो कर. चल जा. एंटर हो गया. क्या डाला तू? 1 2 3 4. गधे को जीनियस समझ लिया था. भूमि के आईडी से किसे मेल भेज रहा है? अबे भूमि, तेरे को खन चक्कर बना दूंगा. बिना मेरी परमिशन के चेयरमैन को मेल क्यों भेजी? अगला प्रिंसिपल बनने की फिराक में हो क्या? मेल भेजा? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ भूमि. बिना बताए रशिया की सेंट पॉल यूनिवर्सिटी जा रहे हो. तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, सेंट पॉल यूनिवर्सिटी का बोर्ड पे बेस्ट 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 लिखना. समझ गए? गुड मॉर्निंग सर. हाँ एक मिनट. मिस्टर भूमिनाथ, आप इसी कॉलेज में पढ़े, बाद में यहीं पे लेक्चरर बने. अब विजिटिंग प्रोफेसर बनके रशिया के गोरे लोगों को पढ़ाओगे. नाम रोशन कर दिया मेरा. इसे अगले एड में डालूंगा मैं. रशिया जाकर अपनी कॉलेज के पोस्टर्स लगाना. ट्रूली बेस्टेस्ट. तुम्हारे पॉकेट मनी चाय नाश्ते का खर्चा मैं उठाऊंगा. अगली फ्लाइट से निकल जाओ. ऑल द बेस्ट. हाँ सुनो, एक पोस्टर रशियन भाषा में बनवाओ और उसपे चेयरमैन का ऑर्डर. सुने ना, अब जाओ यहाँ से. वहाँ ठंड पड़ती है, ऊन के कच्चे बनवा के लेके चल जाना. कहाँ है वो? ये है हमारा भगवान. हाँ? चक्रवर्ती. आज तक भूमि कॉलेज को अपने इशारों पे नचाता आया है, पर आज से इस कॉलेज का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है. आज के बाद तुम चक्रवर्ती नहीं, कॉलेज की नई डॉन हो. आज के बाद से इस कॉलेज के प्रोफेसर एकदम साइलेंट. ये ऊंट गुलाब जामुन से भी ज्यादा रसीले है. कौन है ये? अबे इसका खसम कुछ नहीं बोल रहा है तो तेरे को काहे को मिर्ची लग रही है? पार्ट टाइम पंडित हूँ, एक ड्रामा कंपनी में एक्टर हूँ. लाश का रोल देना, उसमें भी जान डाल दूंगा. माय विजिटिंग कार्ड. ए नड्डा छोड़ उसका. फोटो खींचने के पूरे 2000 रुपए लिए हैं इसने. फोटो तो दूर एक सेल्फी तक नहीं खींची. जान बच गई. फोटो खींच या पैसा लौटा, समझा? तुझे दारू की पार्टी दी थी ना, उसमें उड़ गया. स्ट्रगलर आर्टिस्ट के फोटो नहीं खींचता मेरा दोस्त, चल फट. मेरे को हूल देने के लिए अपने साथ राउडी लेकर आया. तुझे तो बाद में देखूंगा, पूरी मंडली लेकर आऊंगा मैं. तेरे का मन तेरा बाप पड़ेगा क्या? मुझसे डर गया क्या रे सीनियर? बोले तो गैंगस्टर बन जाओ. तेरा बाप आ गया? अच्छा, मैं तो डर गया, अब तो होश. ये एक्टिंग उनके सामने करके दिखा, मर गए. इसे किसने बुलाया? मैंने आने को कहा जी. और बिगाड़ दो इसे. आज तो संडे है, छुट्टी कॉलेज के लिए है, पढ़ाई के लिए नहीं है. पूछो तो कैसे ग्रेड्स आए हैं? 80% विद डिस्टिंक्शन पापा. अच्छे तो हैं. स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ने वाले 90% ला रहे हैं. सब कुछ दिया इसे तो भी घटिया रिजल्ट. इन नंबर से ये मिस्त्री भी नहीं बनेगा. इसे कुछ अक्ल दो कि ये ठीक ठाक इंजीनियर बन जाए. हाँ मैं समझा दूंगा. वहाँ चल के लिफाफा पकड़ाते हैं. कुछ खा लेना. हा? हाँ एक ही काम तो ठीक से करता है. ए सीनियर. जी आंटी. इसे अपने साथ रखना. बाद में मिलता हूँ, काफी कुछ पूछना है. ए क्या है भैया, तेरा पूरा खानदान मुझे सीनियर सीनियर बोलता है. खाना खा ले. ए क्या चल रहा है? देखो तुम्हारे पापा तुम्हें चैन से फंक्शन अटेंड नहीं करने देंगे. लाइफ में कोई भी मदद चाहिए होगी तो अपने मामा को याद कर लेना. थैंक यू मामा. ठीक है. नाइस मामा. इतना घमंड तो असली स्कॉलर भी नहीं दिखाते होंगे.
पैर देख के कितने बकरे झांसे में आ गए, सब के सब हलाल होंगे। हमारी रैगिंग करने वाले हो? क्यों फ्लोटिंग चालू? सीनियर्स तो माशाल्लाह थी, जूनियर्स भी कयामत हैं। बहनजी टाइप की लड़कियां हमारी क्लास में क्यों आती हैं? और उन्हें अगर तू नाके का पनवाड़ी लगा तो क्या करेगा बे? देखो ऐसा मत बोलो प्लीज। सही तो कहा डॉन ने, सीनियर्स कॉलेज से पास आउट हो गए तो जूनियर्स पे डोरे डाल रहा है। खुद की लड़की ढूंढ नहीं पाया, डॉन को बोल रहा है। डॉन, इस साल एक खूबसूरत लड़की आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। क्या हुआ? पेन निकाल रहा था मैं, गलती से कोहनी लग गई। सॉरी, गलती से हाथ लग गया। ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए इन्हें, इंस्टेंट जवाब देना चाहिए, समझ गई? मजा आ गया। मैं लिली, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और तुम? सेकंड ईयर में हूँ, दूसरे कॉलेज से शिफ्ट हुई हूँ। ओह, बहुत अच्छा हुआ, कॉलेज के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है, तुमने भी सुनी होंगी ना? प्लेसमेंट के बारे में? छे, कॉलेज के एक दमदार सीनियर के बारे में। वो कौन है? तुमने डॉन के बारे में नहीं सुना क्या? क्या चीज है वो? कोई गरीब दिख जाए तो उसे पैसे दे देता है, रास्ते में कोई बुजुर्ग दिख जाए तो उन्हें घर ड्रॉप करके आता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कॉलेज वो रोज आता है पर क्लास में कभी नहीं आता। क्यों? डॉन कभी क्लास जाता है क्या? दीदी, डॉन। ऐसा कौन है? छी, ये डॉन है? डॉन की इंसल्ट। हे, कहीं डॉन और दीदी की कोई हिस्ट्री तो नहीं? ये और यहाँ ऐसे पढ़ाई करेगा, ऐसे पढ़ाई करेगा, पूरे पेपर में अंडे हैं, घर पे जाके मुर्गी बनाएगा इसकी। इधर आ, तू भी कम नहीं है बदमाश कहीं का। चक्रवर्ती, गला फाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ए, अपना टेस्ट पेपर लेके आ। कैसे याद किया? क्यों बेटा तू फिर से फेल हो गया? घर वाले पढ़ने के लिए नहीं बोलते क्या? घर वालों को मेरे टीचर निकम्मे और डफर लगते हैं। मैंने भी कह दिया अभी आप नए हैं, धीरे धीरे पढ़ाना सीख जाएंगे। ऐसे घटिया जोक मार के लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। जीवन का लक्ष्य क्या है प्रभु? मतलब लाइफ के गोल्स ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ। रिटायरमेंट की उम्र तक सोच लेना। अरे बिना काम के जिंदा कैसे रहेगा? कुछ भी सर, पिछली टीचर ने कहा जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, अब आप कह रहे हो कि एम और काम जरूरी है। डिसाइड कर लो कि क्या करना क्या नहीं। सर हाथ सामने लो, तुझे भी यही चाहिए, ये ले ये ले। ओ, मेरा ही हाथ दुखने लगा, इतना जोर से मारा तुझे, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर क्या है, लड़कियों के सामने रोया ना तो शाम में गुस्ताखी हो जाएगी। क्लास से बाहर जा। ओ, ओ, है, सुझा डाला रे। बेटा ये टेंथ सी किस तरफ है? न्यू एडमिशन हो? हाँ सही समझे। यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? अपने लिए नहीं आया, अपनी बेटी के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? नाम क्या है तुम्हारा? मधुरा वीरन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। आप पुलिस हैं सर? हाँ बेटा, मेरे पापा की फर्नीचर की शॉप है, पर चेहरे पर पुलिस जैसा रौब रखते हैं। तुम्हारे पापा पुलिस में और फर्नीचर जैसी स्माइल दे रहे हैं, फिल्मी पुलिस वाले हैं क्या? नहीं बेटी आराम से कम स्कूल में तो टपोरी गिरी मत करो। अरे ये चश्मे तो सॉलिड राउडी निकली। ध्यान मत दो, चलो आगे देखो। Your name is what? हाँ? Not English knowing. तुम्हारा नाम क्या है? Why should I tell my name to a stranger like you? घर का छोटा नाम नहीं रखा क्या? चक्रवर्ती, क्या कर रहे हो यहाँ? वो प्रिंसिपल ने उस लड़की को बुलाया। अंगेर कन्नी की बात कर रहे हो? किस लिए? अंगेर कन्नी नाम है। कन्नी की स्पेलिंग में आए है क्या? अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? फटूरे की प्लानिंग मिस। क्या मतलब? मतलब फ्यूचर। गलत क्लास में आ गया, मैं चलता हूँ।
अंगे कन्नी में कन्नी काट रहा हूँ। ये चश्मिश तुम चांद हो क्या? क्यों? चेहरा चांद सा रोशन जो है। मैं तो बहुत बड़ा कवि बन सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मिस डस्टर, मिस वहां से ले लो। अंगेर कन्नी। मिस क्या हुआ? एक चौक भी चाहिए तो ले लो। अंगेर कन्नी। तुम अब तक क्या कर रहे हो? एक पेन चाहिए। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो दे दो इसे। किसी और से क्यों लूंगा? अंगेर कन्नी दो ना। पास मत आना। हा? मैं तो आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारहवीं कक्षा में मेहनत करोगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए खेलना कूदना भूल जाओ। अपनी पढ़ाई में फोकस करो। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। क्या लेना है मुझसे? कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है। क्या? तुम्हारा पेन। मुझे नहीं चाहिए। तो समझ लो तुम्हारा प्यार का तोहफा मुझे मिल गया। ये पेन तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी ना। मेरी याद बहुत सताएगी इसलिए फेंक दिया ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? वो मेरी फीलिंग्स है। फीलिंग्स? काय की फीलिंग्स? तुम्हारे पापा ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना। पढ़ाई और पापा का नाम लेके मूड खराब मत करो। मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे मुंह पर बोल दो। नहीं पसंद हो? मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। इंसान को दिल के बजाय उसके चेहरे से परखने लगेंगे तो लड़कों का लॉस नहीं है बल्कि लड़कियों का नुकसान है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना भी नहीं है। ओए ओए एटीट्यूड। बड़ी मुंहफट है, इसे पटाना आसान नहीं होगा। अपनी जगह क्यों बदल ली? इस तरफ 12th हैं, उस साइड में 10th वाले। मैनेजमेंट ने सीटिंग अरेंजमेंट बदल दिए। प्रॉब्लम है तो उनसे जाके लड़ लो। ऐसे मुंह फेर कर क्यों बात कर रहे हो? एक बार लड़की प्रपोजल ठुकरा देना तो उसे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पाप है। आई एम अ गुड बॉय। चलो कुछ पूछ। हेलो एग्जाम हॉल में हूँ अभी मैं। देख मत देख। कंट्रोल कंट्रोल। क्या हुआ? बुखार तो नहीं है? डॉक्टर को दिखाया? नाश्ता तो ठीक से किया था ना? मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। दवाई ली तुमने? कौन सा टेस्ट है? बॉटनी। बॉट कंप्यूटर साइंस होता तो मदद कर देता। बैड लक है। अपना पेपर दे। पैरी है क्या? मार दूंगा। बैठ जा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फटाफट उतार ना। पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बिंदास कॉपी कर। जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए। लिख डालना। बेचारा हेल्प कर रहा है, कॉपी कर। हाँ सही कहा। सर सर बस सर और मत मारिए सर। सर गलती हो गई सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर बस सर और मत मारो सर। ए बहुत मारा ना तुम्हें? पटक पटक के मारा। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये सब मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं, थोड़ा शो ऑफ कर रहा था। पर ये निशान असली है। रोना मत, रोते हुए और भी सुंदर लगती हो। झूठ बोला, शर्माते हुए हसीन लगती हो। फिर से मैंने झूठ बोला। स्माइल करते हुए तुम्हारा शर्माना कातिलाना लगता है। तुम और तुम्हारे ये इशारे क्या मतलब है इनका? ये मेरा दिल है और ये है उसकी फीलिंग्स। तुम्हारे दिल में कुछ खलबली नहीं हो रही है क्या? पहले तुम्हें जान तो लूं। बस जान मत लेना। Oh,
सॉरी नो इट्स ओके सर टेस्टर जाके ले लो ना असली ताजमहल बहुत सुंदर होगा ना लेकिन मुझसे थोड़ा सा कम हाँ चलो रेडी रेडी हो जाओ अरे पासपोर्ट के लिए फोटो थोड़ी ना खिंचवा रहे हो ये अपना होल जो ये मेरी वाली है समझ गया क्यों ना मैं मॉडल ही बन जाऊं कच्चे बनियान का ऐड मिलेगा चलेगा ना तुझे टिफिन अच्छे से साफ कर देना बेटा धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारी मानी आई अब तक होती तो आती ना पापा ही मेरे लिए सब कुछ है पापा बैठो 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 बेटा बैग क्यों पकड़ रखा अब तक इसे रखो और खेलने जाओ पापा चेंज करने का कोई फॉर्म मिलता है क्या महाराष्ट्र की शान क्यों पूरा हिला डाला ना दो कड़क कटलेट देना रजनी सर खुद सिगरेट नहीं पीते पर स्टाइल से जलाते हैं उनके बाल झटकने पे लोग फिदा हो जाते हैं अपना फेवरेट स्टार है 3 घंटे मूवी देखी ना आप किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं थैंक यू रजनीकांत से अच्छा टॉपिक क्या है आते वक्त मैंने एक कार्ड देखा तुम हमेशा फीलिंग्स की बात करते हो ना आई एम ओके आई लव यू तुम नहीं बोलोगे आए इसे लव करती हो क्या तुम भी बस फ्रेंड्स हैं बेटे को औलाद नहीं अपना दोस्त समझो ठीक है सर तभी ये तुमसे कोई बात नहीं छुपाएगा तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को प्रपोज किया है क्या कह रहे हैं आप लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं अभी इनकी पढ़ाई की उम्र है कहीं गलत रास्ते पे ना भटक जाए बेटी को कैसे पालना है एक पुलिस ऑफिसर को सिखाने की जरूरत नहीं है भानु प्रेजेंट मिस भुवनेश आपने अंगिरकनी का नाम नहीं लिया मिस वो टीसी लेकर चली गई है क्या हुआ कुछ नहीं दीक्षा दिनेश जिसे प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं है उसे डॉन कहती हो वो तो पापा आ गए वरना मैं उससे कभी नहीं छोड़ने वाला था बाद में ट्राई किया तो कुछ नहीं हुआ जानबूझकर उससे बात नहीं की पर क्यों दीदी बात ये है कि प्यार में होता है रोता क्यों है इसके लिए नहीं रो रहा हूँ आज चावल की जगह चपाती बनी है नहीं खाना है तो दे चुप कितना बेसुरा रोता है फोड़िया से आगे से अकेले बैठ कर खाऊंगा डॉन इसकी बातों को माइंड मत करो उसने सिर्फ आपके लिए कॉलेज ज्वाइन किया है वो पक्का आपके बारे में ही सोच रही होगी एक्स के लिए एक्स्ट्रा फीलिंग्स होती है उसने कभी मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया लड़कियां ब्रेकअप का नोटिस नहीं देती बिना कुछ बोले जता देती है अबे तू इन सब चीजों के बारे में क्या जानता है अबे नहीं किया तो क्या हुआ आजकल कोई लड़की सिंगल नहीं रहती या तो उनका बॉयफ्रेंड रहता है या तो बॉय बेस्ट फ्रेंड रहता है बॉयफ्रेंड हो तो फिर भी ठीक है पर कोई बॉय बेस्ट फ्रेंड हुआ तो खतरे वाली बात तो नहीं पहले लड़की का ब्रेकअप करवाते हैं फिर रोने के लिए अपना कंधा देते हैं इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है डॉन इस गधे की बात मत सुनो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है बस मेरे कारनामे देखते जाइए जूलियट बनके वो अपने रोमियो के पीछे भागेगी खुद आकर प्रपोज भी करेगी खाओ लवर्स यूनियन डे मनाएंगे हम Yeah!
मुझे मिस कर रहे थे ना तुम लोग? मी टू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबकी बड़ी याद आई मुझे। एलाओ इधर। वो क्या मेरा ऑफिस में जमा कर। ओके सर। इसके पापा को यहाँ बुला लो। डबल ओके सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, ऐसा मत करिए सर, प्लीज उन्हें मत बुलाइए ना सर, सर प्लीज सर, सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज सर, सर सर मान जाइए सर। ठीक है, कॉलेज के बाद लेकर जाना। चार बजे के बाद नहीं, चार साल के बाद ले जाना। अरे वो जी सर, कॉलेज में कल्चरल फंक्शन कैसे हो रहा है? प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी है सर। ओह देखो ना सर, तंग करके रखा है, हर महीने दो बार ये सर्कस चलाता है यहाँ। अब क्या बताएं, आज टीचर्स डे के नाम पर ये नालायक यहाँ पर हंगामा मचा रहे हैं। सर हम चेयरमैन को इन्फॉर्म कर दें क्या? नो, पहले उससे भी एक जरूरी मैटर है। सर बाय द वे, हाउ वाज योर जर्नी सर? सर तबीयत कुछ नासाज लग रही है? आई एम ऑल राइट सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत हो गया भूमि, अब जल्दी से लौट आओ। मेरे आने की वजह पता चल जाएगी तो इज्जत की कुल्फी हो जाएगी। कौन ये सब बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं सर, नो। पिछले एग्जाम्स के आंसर शीट्स निकालिए, इस कागज पे जो लिखावट है उससे एक एक आंसर शीट को मैच कीजिए। एक भी लिखावट मैच नहीं है सर। कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स नहीं दिए होंगे, उन स्टूडेंट्स के पिछले सेमेस्टर के पेपर्स चेक कीजिए। ओके सर। ये स्टूडेंट मिलना ही चाहिए। यस सर। मिलना ही चाहिए। ये लिखने वाला मिल गया है सर, रोल नंबर 091C106। चेक करता हूं। हाँ, ये तो डॉन है। इसी नाम से मशहूर है। नाम चक्रवर्ती है, फाइनल ईयर सिविल ब्रांच, सारे स्टूडेंट्स उसके फैन हैं। मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा था, क्या बोली थी? गलती से थप्पड़ लगा और जान बूझ के टच करूंगा। कहां मिलेगा मुझे ये? शायद लेटर का राज खुल गया। यहां डिशुम डिशुम का सीन चालू था सर। नहीं सर, बर्थडे विशेस दे रहे थे। मुझे रशिया तूने भेजा ना,
सही पहचाना सर। किस लिए? ताकि स्टूडेंट्स चैन की जिंदगी जी पाए सर। ओह, मेरे इस एहसान को चुकाना हो तो सबको बता दूं आपको किसने पार्सल करके रशिया पोस्ट किया। आज तक अपनी जबान पे ताला मार के रखा, राज का पर्दाफाश कर दूं? आपने कुछ गौर किया सर? आपसे सहम कर बात कर रहा हूं, इसे मेरा डर मत समझना, सिर्फ आपकी इज्जत का ख्याल कर रहा हूं। इस कॉलेज से डिग्री हासिल करने से पहले मेरी हर अधूरी ख्वाहिश और अपने हुनर को एक अंजाम तक पहुंचाने का सपना उसे पूरा कर दें। बिल्ली बनके रास्ता काटने की गलती मत करना। रास्ता तो तूने पहले ही काट दिया है। अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी जल्दी है तुझे। मैं पहुंचाऊंगा, बहुत मशहूर करूंगा तुझे। थैंक यू सर। बहुत जल्दी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर सब तेरी एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। बेस्ट स्टूडेंट वाली तस्वीर ना? गुड जोक। थैंक यू सर। अभी के अभी ये इवेंट कैंसिल कर दो। ओके सर। और इसके पापा को बोलो मंडे आके मिले। ओके सर। हाँ बोलो। सुनिए जी, आपको कॉलेज में बुलाया है। कॉलेज बुलाया? किस लिए? क्या मालूम, अपने बेटे के फोन पे फोन आया था, कॉलेज आने के लिए कहा है। मैंने चेक कर लिया, हिसाब बराबर है। गुड मॉर्निंग सर, चक्रवर्ती के पापा आ गए। हेलो सर, चेयरमैन के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपके काम की एक खबर देनी है। क्या है? भूमि एक साल के लिए रशिया गया था, लेकिन दो महीनों में लौट आया सर। हाँ? वो यहाँ प्रिंसिपल बनने आया है सर। सच कह रहे हो तुम? हाँ सर, कुछ पेरेंट्स को बुलवा के उन्हें भड़काने वाला है सर, आपके खिलाफ माहौल बना के आपका पत्ता काटने वाला है सर। ये खबर चेयरमैन तक पहुँच चुकी है। मजाक तो नहीं कर रहे? यकीन नहीं होता तो खुद देख लो, पेरेंट्स मीटिंग में आ जाओ। सर। भूमिनाथन, कहाँ इस वक्त तुम? एक पेरेंट के साथ मीटिंग करने वाला हूँ सर। किस लिए? किसी स्टूडेंट ने कोई शरारत की? ऐसी कोई बात नहीं है, बस जनरल मीटिंग है सर। वो मीटिंग किसी और से करवा लो, इस वक्त तुम मेरे चेंबर में आओ। ये मेरा ऑर्डर है। तुम उनसे बात कर लो, मैं आता हूं। सर सर प्लीज सर, ऐसा मत करो, जाने दो ना सर। तो फिर वो वीडियो डिलीट कर दो। अबे इस कॉलेज का सबसे डल स्टूडेंट आपका बेटा है। इस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट आपका ही बेटा है। खुद तो पढ़ता है नहीं, दूसरों को भी निकम्मा आवारा बना दिया। दिन रात पढ़ाई करता है, कमजोर स्टूडेंट को हेल्प भी करता है। प्रोफेसर्स की वाट लगा रखी है, बेटा पैदा किया या बवाल? नहीं, गुरु का इतना आदर कि एकलव्य और द्रोणाचार्य भी शर्मा जाए। माई बैड लक, काश मेरे घर पैदा होता। 30-30 केटियां पड़ी हैं। इसे इंजीनियर बनाने के सपने तो छोड़ ही दो और कॉलेज के बाहर चाय पकौड़े की टपरी खुलवा दो। सारा ध्यान बालों और स्टाइल में है, फिर से इसे कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ते हुए पकड़ा तो इसे रेस्टिगेट कर देंगे। फिर रोना मत। क्या इसीलिए तुझे कॉलेज भेजा था? सॉरी पापा, गलती से गलती हो गई। अरे कभी मेरे बारे में भी तो सोचा कर, बूट पॉलिश करके मैंने तुझे यहाँ तक भेजा है। मेरी मेहनत पे मिनरल वाटर फेर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, तेरा दारू चखना सब मेरे खून पसीने की कमाई थी। पर यहाँ सिर्फ टिफिन खाता हूँ। वो मैंने अपनी पड़ोसन से चुराया था। सर
चुप हो जा गधे। अपनी शक्ल तू मुझे मत दिखाना। पापा। तेरा डैडी तेरे लिए मर चुका है। पापा। जाके मर जा मनहूस। पापा का दिल तोड़ दिया। पापा पापा पापा। ये क्या था? कुछ समझ आया क्या? ये बाप बेटे कितने अलग हैं? कैसी फैमिली है? अगर सही कहूं तो बाप को पागल कर देगा। मेरी गारंटी है वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनेगा। ऐसा बेटा पाकर आप तो धन्य हो गए हैं। यही कहना था। हाँ बस। मुझे लगा उसने कुछ गलत किया होगा, उसकी सजा दिलवानी होगी। अरे अरे बिल्कुल नहीं। समझ में नहीं आता हमेशा 80% ही क्यों आते हैं। थोड़ा ठीक से पढ़ाओ ताकि 90% भी आए, वरना तुम्हारी क्लास लेनी पड़ेगी। मुझे हटा के तुम्हें प्रिंसिपल बनना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरे बाद कौन मरेगा? सोचने की एक्टिंग मत करो। मुझे सब खबर है। स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन पर फोकस रखो, पेरेंट्स को बुला के उनका और अपना टाइम वेस्ट मत करो। समझ गए ना? बात घुसी की नहीं खोपड़ी में? ओके सर। अब निकल रहे यहां से। सर। नो। आते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, बाहर जाने का रास्ता कहां है? सीधा जाके लेफ्ट ले लीजिए। हाँ? आप तो? मैं चक्रवर्ती का पापा। चक्रवर्ती? हाँ। अभी फाइनल ईयर में है। भूमिनाथन! यहाँ क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है? ये पेरेंट है सर। मना किया था ना किसी भी पेरेंट से नहीं मिलोगे तुम। सर वो ये आपको क्या चाहिए साहब? बाहर का रास्ता। तो सीधे जाके लेफ्ट ले लो। और तुम जाके एचओडी की मीटिंग अरेंज करो, जाके काम करो ना। चलो गो। बच गया। आज पकड़ा जाता तो कीमा बन जाता। ग्रेट एस्केप। हम डॉन चैरिटी फंड से आए हैं, आप जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। डॉन चैरिटी फंड किस लिए? 5-10 रुपए दे दो ना, वजह पूछने की जरूरत नहीं है। आप रुको दीदी, डॉन बिना वजह कुछ भी नहीं करता। डिटेल में बताओ ना, बैठो। कल के फंक्शन में डॉन ने कई लोगों को धोया। हाँ। उसमें से कईयों को बहुत चोटें आई हैं। उनके अंदर के घाव तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जब उसे एडमिट किया गया तो उसके बगल के पलंग में इंजीनियर लेटा हुआ था। डॉन को दया आ गई और उसने उसकी बीमारी पूछ ली, तो वो बोला कि उसकी 3 पेपर्स में केटी है। वो अपने एग्जाम की फीस नहीं पे कर पाया, इसलिए उसने जहर की शीशी खाली कर दी, पर वो गलती से जमाल घोटा निकला। अरे बाप रे बाप। तभी से डॉन ने डिसाइड कर लिया, जिन स्टूडेंट्स की केटी आई हुई है उनके अकाउंट में पैसे जमा करके डॉन उनकी हेल्प करेंगे। जिस लड़की के लिए दुनिया से लड़ा उसके लिए इतनी बेरुखी। दीदी कम से कम झूठे मन से थैंक्स ही बोल देती। बेवफाई तो आजकल का ट्रेंड है। पैसा नहीं तो प्यार का डोनेशन दे दो। जा कहाँ रही हो? अरे दीदी रुको तो। ना ही बीता हुआ वक्त लौट सकता है, ना गलतियां सुधर सकती हैं। तुम्हारी तरह तुम्हारा ये एनजीओ भी फर्जी है। जाओ। दीदी मेरी बुक। लिली। डॉन। ये मेरे नाम से इतना भड़कती काय को है? इसकी प्रॉब्लम क्या है बोलना? अब कैसे बताऊं? बिंदास बोल रहे। तुमसे इतना फ्रेंडली था, मुझे बताती तो क्या तुम पे गुस्सा होता? आज उसी वजह से मुझे किसी और के माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं आपको बताने ही वाली थी। अब रहने दो। तब से अंकल उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। ए, जोर की सुसु आ रही है। वहीं रुक, साथ में करेंगे। मस्त फिल्म है ना?
सॉरी बेटा, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया। भूल जाइए सारी बात। हे लिली, तुम बहुत शरारती हो, इसलिए तो मुझे साथ लाने की जिद की। पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। सुन, कोई फैन ताली बजा रहा है। क्यों ना मैं मीम क्रिएटर बन जाऊं? अभी तू दिन में 3 बार अपना करियर बदलता है। शॉर्ट फिल्म्स का डायरेक्टर बन जाओ। पहले जाके अपनी हीरोइन को संभाल। कदा कहेगा? क्या वो आ रही है? सोनी जी, महिवाल जी, रोमियो जूलियट, देखो। और अब आज की लेटेस्ट जोड़ी चक्रवर्ती अंगईकन ने, ये रही उनकी तस्वीर। जब थिएटर में वो फिल्म चलाई थी ना, तुझे सुनाई दे रहा है? कोई फैन ताली बजा रहा है। क्या सॉलिड फिल्म बनाई। तुम गुल खिलाओगे ये जानता था, लेकिन सीधा ताजमहल बनाओगे नहीं जानता था। तो अब देखें, लैला या मजनू, कौन किससे ज्यादा प्यार करता है उसका फैसला करते हैं। स्टार्ट। प्लीज सर, पहली बार गलती हुई है, माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर, सर सर प्लीज। तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया है, ये तो तुम्हारे लिए भीख ही नहीं मांग रहा है। सर प्लीज, लगता है तुम्हारे लिए इसका प्यार एक फरेब था। लव नहीं है क्या? सिर्फ टाइम पास कर रहा था क्या? अपने लवर को बचाने के नाम पे इसका मुंह सिल गया। ऐसे कायर को डॉन कहते हो? डॉन, डॉन, डॉन। हाँ, प्यार करता हूं, आगे क्या? तो आगे दो प्यार करने वालों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी। श्वेता मिस सर, कल सुबह 10:30 से शुभ मुहूर्त है, दोनों के पेरेंट्स को इनविटेशन दे दो, शादी करवाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सर सर प्लीज सर, सर ऐसा मत कीजिए। नहीं सर। यू आर सस्पेंडेड। सर इन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज सर, प्लीज इस बार जाने दीजिए ना। प्लीज प्लीज सर। यू टू सस्पेंडेड। ये बिल्कुल गलत बात है कि इसमें चक्रवर्ती की गलती है। उसकी क्या गलती है? अरे जब उसने बोला तो तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी ना, तुमने क्यों नहीं मांगी माफी? ए, मना करने की गलती एक बार कर चुका हूँ, फिर से उसे हर्ट नहीं कर सकता था। उसके बाप को भूल जा, भूमि ने तेरे बाप को सब बता दिया, अब क्या करेगा वो सोच। ए, ए, चुप हो जा यार, वो डॉन को डिसमिस नहीं करेंगे। इनके लिए नहीं रो रहा हूँ। तो आज फिर से चावल की जगह चपाती दे रहे हैं। और मारो पेट में, मार पेट में, मार। रुको 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 रुको। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो। अरे आज मेरे ढोल मोलू। क्या आइडिया दिया तूने मुन्ना, अब खेल शुरू। दो दुनी चार है, दो दुनी चार है, यहाँ का खाना बेकार है, यहाँ का खाना बेकार है। स्टूडेंट है हम, जानवर नहीं है, हम जानवर नहीं है। हॉस्टल का खाना नहीं खाएंगे, हॉस्टल का खाना नहीं खाएंगे। जो हमसे
भूमि इंसान नहीं राक्षस है। भूमि इंसान नहीं राक्षस है। भूमि इंसान नहीं राक्षस है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। भूमि आ गया। टीचर से डरने का नहीं। 0.3 ए ठीक से सिलेबस लिखने भी नहीं देते। सर देखिए हड़ताल की स्पेलिंग गलत लिखी है। इसके लिए 2 मार्क्स काट सकते हैं सर। ए उतने ही तो मिले हैं तुझे। थैंक यू सर। चुपचाप अपनी ये हड़ताल खत्म कर दो। ये मेरी निजी समस्या नहीं है, ये हर स्टूडेंट की शिकायत है। क्या शिकायत है स्टूडेंट्स की? मैं इसका खाना सर, किसी फिलोसोफर ने कहा है कि जैसा खाओगे वैसे ही मार्क्स आएंगे। किसी और ने नहीं, इसी ने कहा है सर। अपनी डिमांड साफ साफ बताओ। हॉट न्यूज इन्हें मेन्यू परोस। और कितनी लंबी है, कहाँ जा रहा है ये? लिस्ट है कि जन्म कुंडली, शेर का सूप, टाइगर के मोमोज, और ये क्या, वेल मछली की भुर्जी, ऑक्टोपस का पाया, सांप का अचार, शार्क का कबाब, केकड़ा का सूप। केकड़े का सूप भी सर, अगर हम कॉलेज बेच दें तो भी ये मेन्यू पूरा नहीं कर पाएंगे। मत भूलो तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो। ये हम जानते हैं सर, अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग की है। नौकरी करेंगे तो 20,000 सैलरी होगी, पकौड़े बेचेंगे तो हर महीने 2 लाख का गल्ला उठाएंगे, फिर भी मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार है हम, ऐसे महान लोग हैं सर। इस बलिदान के बदले कॉलेज स्टूडेंट्स को लूटते हैं। हेड में कहा कि कॉलेज शहर के पास है, पर यह है जंगल में। पास में ना थिएटर है ना गार्डन है। सच तो ये है, जब रात को पीने का मन होता है तो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर एड में इस लड़की को देख के एडमिशन लिया था, बाद में ये बंदर छाप मंजन के एड में दिखी, ये तो कोई मॉडल निकली। बना दिया और कदम पे धोखा खाया। सर आज के बाद सिर्फ 1 घंटा क्लास होगी। एड में इसी कॉलेज की लड़की होगी। डेट पे जाने की परमिशन भी होगी। इस मेन्यू में लिखी एक एक आइटम बनानी होगी। एक बात और, एग्जाम की डेट लास्ट बेंचेस स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे। मेरी एक बात याद रखना, तुम कभी इंजीनियर नहीं बनोगे। डॉन मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा। खुद को बचाने के लिए इसने हड़ताल का सहारा लिया है सर। ये क्या निकाल रहा है? ओहो हा, एक बोतल में 2 स्ट्रॉ। सर सर सवाल क्या? What is this, भूमिनाथन? ये फोटोशॉप का कमाल है सर, ये फोटोशॉप है, पूरा फोटो नकली है सर। मेरे भी फोटो ओरिजिनल नहीं है सर। देखा तुमने? आखिर प्रॉब्लम क्या है? सर इनको मैं एक आंख नहीं भाता, मेरे को कॉलेज से निकलना चाहते हैं सर। तुम्हें निकाल के इन्हें क्या मेडल मिलने वाला है? इंसाफ के लिए आवाज उठाई सर। समझा नहीं। सर हर स्टूडेंट मन लगा के पढ़ता है सर, पर जूते पहनो, आईडी पहनो, फोन नहीं रख सकते, लड़की से बात नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स क्यों बना रखे हैं? फॉलो ना करने पे फाइन है या सस्पेंशन। सर इनसे सवाल करो तो मार्क्स काट देते सर। कुछ लिखता तो नंबर मिलता ना। इनकी वजह से स्टूडेंट्स हमेशा मेंटल प्रेशर में रहते हैं, रिजल्ट्स पर असर पड़ता है। देखिए और मुझे तो कहां कहां असर पड़ता है, क्या बताऊं सर। मैस का खाना तो, अरे खाना छोड़ो, वो तो टमाटो वाला भी दे देगा। बस रूल्स में थोड़ी ढील दे दो ताकि हम शांति से पढ़ाई कर सके। सर कॉलेज में ही हमारा दिल लगा है सर। ओ माय गॉड। सर मुझे माफ कर दे, इनसे डर के आज तक आपसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया, दिल पे पत्थर रख के मुझे स्ट्राइक करनी पड़ी। सर आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए सर, पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स
देश में बेस्ट होने चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये तो बेस्ट वर्ड पे खेल गया सर। ये तो स्टूडेंट्स पे जुल्म हो रहा है। आपकी नकल कर रहा है सर, इसको देखिए सर, मेरी नकल कर रहा है सर, ये नाटक कर रहा है, मुझे फंसाना चाहता है सर, सर पूरे कॉलेज का माहौल बिगाड़ना चाहता है ये। इतने सालों तक मैंने अकेले अपने हाथों से कॉलेज को, भूमिनाथन, अगर हमारा कॉलेज नंबर वन है तो इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। कंटिन्यू थिंकिंग, आप सोचते रहिए, सोचिए सोचिए, पहले इसे निकालना पड़ेगा। इसकी शर्तें मंजूर हैं। माफ कीजिए सर। डॉन का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो गया, आज से हम सब आजाद हैं। सोच रहा हूँ पॉलिटिक्स में घुस ही जाऊं, बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं उसमें। अरे हारे, वो तो मेरे से बोला नहीं जाएगा। अपनी भी एक ख्वाहिश है, देखना है कि तू आखिर बनता क्या है। मिस्टर भूमिनाथन, जब सामने बाप खड़ा हो ना तो साइलेंट रहने का। किस बात पर ओके हो? डॉन बनने के लिए तुमने मेरा सहारा लिया? कुछ भी, लव नहीं है बोलता तो दुखी हो जाती है कि नहीं? मेरी इतनी फिक्र है ना, तो फिर ये बात भूमि के सामने नहीं, अपने पापा को बोलो। बोल सकोगे? जा। ए, अंगू, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये क्या, पूरा फॉर्म अंग्रेजी में छपा है, हिंदी में नहीं लिख सकते थे क्या? अब मेरे जैसा अंगूठा छाप अकाउंट कैसे खुलवाएगा? दो, तेरा गेम ओवर। मैंने जो कहा था आपको सब याद है ना? क्या है ये सब? हाँ, उसने चक्रवर्ती नहीं कहा, डॉन के नाम से बुलाया तुझे, ये सच है? अभी तक जिंदा हूं फिर भी तू किसी और को अपना पिता बना के लाया। हाँ? सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा झूठ बोलता रहा कि 80% आया है। हाँ? धोखा दिया मुझे कदी ने, लाल आए
मौत भी सामने आ जाए तब भी कॉलेज पहुंच के रहूंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्यों रे, ना कॉल करता है ना कॉल बैक करता है। तेरी मम्मी पूछ रही है कि तूने क्या रायता फैलाया, क्या बताऊं उन्हें? किसी दिन बता दूंगा। तेरे इस अड़ियलपन से थक गया हूं। तेरा मूड चेंज हो जाए इसलिए शूटिंग पे लेकर आया हूं, लेकिन तू अभी भी उसी मूड में है। भैया जी, बड़ा करारा झापड़ पड़ा था। शॉट रेडी है? हां रेडी है, रेडी है सर। मैं भी एकदम रेडी। पकड़ इसे और हिलना बिल्कुल मत। कम ऑन फास्ट। डायलॉग ठीक से याद है ना? याद है सर, पूरा याद है। रोल, रोलिंग, एक्शन। रोड लाइट में पढ़ने वाले बच्चे वो भी 90% ला रहे हैं। तुझे सारी की सारी सुविधा दी फिर भी हर साल फेल हो जाता है। ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, समझ गया? गया, 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 गया। समझ गया पापा, मैं पढ़ लिख कर पक्का इंजीनियर बनूंगा पापा। बंद करो ये तमाशा। क्या बकवास है ये, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको इंजीनियर बनने दो, अगर सभी को इंजीनियर बनाने जाओगे तो मजाक बन के रह जाएंगे सबके सब। मतलब मेरी सोच बकवास बता रहे? इसका वो मतलब बिल्कुल वही मतलब था। ए, अपना मुंह बंद करना तू। ए, हट जरा। ठीक है, मेरी कहानी घटिया थी, तुम लिख के दिखाओ। गलतियां निकालना बहुत आसान है बेटा, लेकिन लिखने में हालत खराब हो जाती है। हर कोई लल्लू पंजो राइटर नहीं बन सकता है, बताने कहां से उठ के आ जाते हैं। कैमरा, रोलिंग, एक्शन। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, मछली को उड़ते हुए देखा है कभी आपने? मछली सिर्फ तैरने में एक्सपर्ट होती है, भगवान ने सबको अलग टैलेंट दिया हुआ है। किसी और की नकल करने से कामयाबी नहीं मिलती। सचिन अगर फुटबॉल खेलता तो क्या वो फेमस हो पाता? वो एक पल आएगा जब इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। वो जमाना चला गया जब माँ बाप बच्चे के साथ जबरदस्ती करते थे। हमें चाहिए बस आपका भरोसा, बस इतना ही। कट। बोल तो साइंटिस्ट बन जाओ यार। मैं तो बहुत बड़ा कवि बन सकता हूँ। गैंगस्टर बन जाऊं क्या? मैं मीम क्रिएटर बन सकता हूँ ना? सुपर भाई, एग्जैक्टली वही बात बोला जो अब उनके दिल में था। सुपर भाई, आज ही अपने बाप को बोलता हूँ। पिछले 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, इतनी गहराई वाली बात आज तक नहीं सुनी मैंने। मैं तो बोलता हूं तू डायरेक्टर बन जा। सच कह रहा हूं, ये सीन देखने के बाद बोल रहा हूं। यहां हर कोई किसी और की लाइफ जी रहा है, अपने अंदर कोई झांक कर देखता ही नहीं, और जब एहसास होता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हर किसी को अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा जरूरी तो नहीं होता है ना। सुन रहा है ना तालियों की आवाज? मेरी बात मान, तेरा टाइम आ चुका है। सिनेमा सपनों की नगरी है, इसकी हर बात में एक कशिश है। सन टीवी
आज आपको एक मौका दे रहा है। आपको बनानी है बस एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म, और विजेता को फीचर फिल्म बनाने का मौका देना मेरा काम है। सो गो आउट देयर एंड मेक सम मैजिकल फिल्म एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर फीचर फिल्म मेकर्स। अरे कपड़ा भी गीले हैं। माँ हॉस्टल में सुखा लूंगा। कुछ भी। तेरी फेवरेट करी बनाई है, खाकर जाना। आ, खाना। माँ अभी भूख नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ खा लो, बैठो। लीजिए। पहले साहब को खिलाओ। ऐसे परोसते हैं। ठूस बेटा, पूरा खा ले। कॉलेज में क्या हुआ पता है ना? अपना नाम ही बदल डाला, अपनी मार्कशीट भी बदल डाली, और तो और अपना बाप भी बदल डाला। एक और अच्छी खबर है, शायद ये कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा। मन फूल के कुप्पा हो गया। खाना खाओ, पेट भर के खाओ। ठीक है माँ, आज के बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। अपना रास्ता ढूंढने का हक नहीं मिला मुझे, मेरी किस्मत हमेशा कोई और लिखता रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी किस्मत लिखने का मौका मिला। इंजीनियरिंग मैं नहीं, आप चाहते थे। मेरा दिल फिल्मों में ज्यादा लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। क्या कर रहे आप, लग जाएगी उसे। क्या कहा इसने? सुनिए, छोड़िए। सुन, चुपचाप तू अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर, फिल्म का नाम लिया तो जान ले लूंगा। इनकी बात क्यों नहीं सुनता, इसे छोड़ दे अपनी। ठीक है मां, जा रहा हूं मैं हॉस्टल। जरूरत नहीं, आज से ये मेरी आंखों के सामने रहेगा, और अब से ये कॉलेज घर से जाएगा। डॉन हमेशा हंसता था, लेकिन अब उसको देखो। जाकर उससे बात तो करो, आपका बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड? किस गधे ने कहा? क्या बोली? पूरे शहर को इसकी खबर है, बॉयफ्रेंड नहीं तो और क्या हूं? फ्रेंड। आपने हर फ्रेंड के साथ ताजमहल जाती हो क्या? तुम्हें ले जाने के चक्कर में बहुत धुलवाई करवाई अपनी। कोई कुछ भी कह ले, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानती हूँ बस। अब तो तुम अपनी बात से नहीं फिरोगी ना? बिल्कुल नहीं, क्यों? एक राज की बात बताऊं, जब से डॉन को देखा ना तब से उस पर मेरा क्रश है। क्या? क्रश है? क्या मतलब? दोस्त से थोड़ा ऊपर, प्रेमिका से थोड़ा नीचे। हाई लाइफ बन गई। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं डॉन। लिली एक सेल्फी ले ले क्या? एक सेल्फी क्यों, पूरा एल्बम बनाएंगे। आखिर मैं तुम्हारा क्रश हूँ। क्या बुरे दिन आ गए मेरे क्रश डॉन। तेरी दीदी इतनी सड़ू क्यों है? दांत नहीं घसती क्या? हंसती क्यों नहीं? हंसना आता है ना तो हंसो। हंसने की वजह भी तो होनी चाहिए। व्हाट? प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। वेरी गुड। और नया प्रिंसिपल भूमि है। सर, प्रिंसिपल बनने के लिए बधाई सर। अब तो दोस्त बन जाते हैं ना सर। मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया। कमाल है। चमत्कार हो गया सर। कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। सबसे पहले तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करनी है। गुड, अच्छा है। बीएससी स्टूडेंट्स और स्टाफ का स्वागत है। वैसे तो आप सब मुझे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लेट मी री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम भूमिनाथ, आपका नया प्रिंसिपल। पता नहीं आप में से कितने लोग इस हीरो को जानते हैं, इसलिए आई विल इंट्रोड्यूस हिम एज वेल। फाइनल ईयर सिविल, नाम है चक्र, नहीं नहीं डॉन। Yeah! 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 Yeah
क्या करो, मरवाओगे क्या? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। अब क्यों चिल्ला रहे हो? बैठने तो फटका दूंगा। सॉरी सर, बच्चे बेचारे। इट्स ओके। तो हमारे 20 स्टाफ, ना ही स्टूडेंट्स का क्लास में आना जरूरी है, ना ही एग्जाम देना, और ना ही ड्रेस कोड को फॉलो करना कंपलसरी हो। आज के बाद सारे स्टूडेंट्स मजे से रहे। बस इस आदमी को छोड़कर। मिडल स्टंप उड़ गया, क्लीन बोल्ड हो गया। ये कोई लेक्चर मिस नहीं करेगा, एक एक प्रैक्टिकल देगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, आईडी भी पहनेगा, हर एग्जाम देगा और कॉलेज के हर एक रूल और रेगुलेशन को परफेक्टली फॉलो करेगा। स्टाफ की नजर सीसीटीवी कैमरा की तरह सिर्फ इसी पर फोकस्ड रहेगी। अगर इस लड़के ने छोटी से छोटी भी कोई गलती कर दी ना, तो इसे डिसमिस कर दूंगा। गया काम से। इसका जो हाल होगा उससे कॉलेज के बैक बेंचर्स समझ ही जाएंगे कि ये उनके लिए सुधरने का एक आखिरी मौका है, वरना मैं खुद उन्हें सुधार दूंगा। डिसमिस्ड। जाओ सब लोग। मैं तो भूल ही गया, तुम तो रूल्स फॉलो करने वालों में से हो ही नहीं, कैसे बचाओगे खुद को? तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो तुम सुधर जाओ या फिर यहां से निकल जाओ। अपनी डिग्री तो तू भूल ही जा बेटा। तूने दिखा दिया कि लास्ट बेंच का स्टूडेंट क्या कर सकता है, लेकिन लास्ट बेंच का स्टूडेंट जब प्रिंसिपल बनता है ना, तो देख वो क्या करता है। एक बात और, जब सामने बाप खड़ा हो ना, तो साइलेंट रहने का। क्या भूमि को हराने के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा? सभी साथियों को मेरा सलाम। सलाम। भूमि ने अकेले मेरे लिए जाल नहीं बिछाया, एक दिन तुम सब भी उसमें फंसोगे। पूरा कॉलेज मेरी काबिलियत से वाकिफ है, मुझ में नहीं, हर लास्ट बेंचर में एक सोया हुआ हुनर छुपा हुआ है। वक्त आ गया है उनकी आंखें खोली जाए। उस धृतराष्ट्र की आंखें कैसे खोलेंगी? पढ़ाई करके। हमसे पढ़ाई कहाँ होगी डॉन? ऐसी बकवास बात तुम्हारे दिमाग में किसने भरी? सुबह शाम प्रोफेसर हर लेक्चर में यही ताना सुनाता है। कोई प्रोफेसर अपने दम पे तुम्हें 100% नहीं दिलवा सकता, उसके लिए स्टूडेंट्स भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कम पढ़ाई करते हैं या फिर हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता? डॉन, दिन रात पढ़ाई करने पे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो अपने गुरु से जाके समझो। हमें समझाने के लिए इन प्रोफेसर्स को मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। कोई हमें चैलेंज करे, हमें नालायक समझे, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें गलत ठहराएंगे, उनको साफ करेंगे। लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स में कितना दम है ये ऊपर वाला भगवान भी देखेगा, और नीचे ये भूमि भी। जीत के दिखाओगे ना? हमारी जीत होगी। सर, आपको सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं कब से देख रहा हूँ तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, मुझे कौन पढ़ाने वाला है? सुनो, वैसे मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, पता है मुझे, मैं तुम्हारा सीनियर था। हल्ला करोगे तो खुद समझ में नहीं आएगा। अरे बोलो ना, बुक दो मुझे। अरे रुको, पहले मुझे जूरन लाओ, एक ही करके दो, एक ही करके दो। अरे तुमने तो फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया है। मुझे तो पहले डाउट हो रहा था। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ए, बकवास मत करो, मुझे कुंग फू बहुत अच्छे से, मुझे भी कुंग फू बहुत अच्छे से आता है। चलो एक दिन तुमको दिखाता हूँ। अरे स्टूडेंट्स हैं जंगल के जानवर। सर प्लीज पढ़ाइए ना, सर पढ़ाइए ना, सर। अरे नहीं नहीं, बाद में आओ, बाद में आओ। कॉलेज टाइम खत्म हो गया है, घर पहुंचने में पूरा एक घंटा है। हाँ, इतना टाइम हम वेस्ट क्यों करें? तब तक 16 मार्क्स का एक आंसर समझा दो। हेलो सर। हेलो। पाइथागोरस थ्योरी क्या होती है सर, प्लीज बताइए ना। इस वक्त अभी आधी रात है। आपने ही तो कहा था रात के 12 बजे भी डाउट सॉल्व करेंगे। कहा था कि नहीं? हेलो पूरा टीचिंग स्टाफ एक साथ? 10 दिन की छुट्टी चाहिए सर। सबको एक साथ छुट्टी, किस लिए? सर, क्लास में स्टूडेंट्स ने डाउट पूछ पूछ के दिमाग का दही बना दिया। कितना भी समझाओ उनके भेजे में घुसता ही नहीं सर।
उनके सवालों के चक्कर में डर है कि कहीं हम ही पढ़ाने न भूल जाए सर। सर ना ही ठीक से खा पाते ना रात को सो पाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं सर ठीक से टॉयलेट भी तो नहीं जा पाते हैं ना सर। अब क्या कहें सर, आज तक स्टूडेंट टीचर से खौफ खाते थे पर आज के स्टूडेंट्स को देख के हमारी हवा टाइट हो जाती है सर। मैं कुछ समझा नहीं। सर आपने डॉन को पकड़ने के लिए कहा पर उस सयाने ने सारे लास्ट बेंचर डफर्स को पढ़ने के मिशन पे लगा दिया। सबको पढ़ने के लिए कह दिया पर वो ऐसा क्यों करेगा? सर ये मशीनरी वाला सब्जेक्ट पढ़ा क्यों नहीं रहे? ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। क्यों सर? अरे नहीं पढ़ा सकता। अरे बोलना काय को? तुम सिविल इंजीनियर और मैं मैकेनिकल का प्रोफेसर हूँ। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है तो उसके गुरु का भी तो मान बढ़ेगा, है कि नहीं सर? सर 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 आप कहे तो मैकेनिकल में शिफ्ट हो जाओ। डॉन लिली ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में सारा बवाल हुआ है और तुम ही पढ़ रहे हो। डॉन कभी पढ़ता नहीं, सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करता है। एक नजर ऊपर की तरफ डाल। हाय ये स्टूपिड ड्रेस और कैमरा लाने के लिए क्यों कहा तूने मुझे? एक बड़ा धमाल करना है। फिल्म शूट करनी है क्या? शूट ही नहीं करना बल्कि एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन जीतना भी है। इस कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ आइडिया भी है तुझे? कुछ भी नहीं। फिल्म इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर और हाँ स्टार डायरेक्टर्स इसमें हिस्सा लेंगे। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा चैलेंज, उस लेवल को छू भी नहीं पाएंगे भाई। कम से कम 2000 एंट्रीज तो होंगी, जीतना तो दूर, टॉप 10 की शॉर्टलिस्ट में भी नहीं आएंगे। इतनी छोटी सी बात, मुझे लगा कोई पहाड़ टूटने वाला है। तुझे समझाना बेकार है, चल जाने दे, चल के शूट करते हैं। बिल्कुल नहीं, खुले में शूट करके अपने बाप से मुझे थप्पड़ नहीं खाने, यही सोचकर पूरी कहानी कैंपस में रखी है। वैसे कहानी क्या है? ये हुआ ना सवाल। स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने का सपना लेके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद डाउट रहता है कि वो अच्छा इंजीनियर है कि नहीं। पूछो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। एक टॉपर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। छी भूमि, तुम्हें कॉलेज से निकालने के लिए बस मौके की फिराक में है। अगर तुम यहाँ शूटिंग शुरू करोगे ना तो ऐसे बुरे फंसोगे कि बचना असंभव होगा। असंभव को संभव बना दे वही असली डॉन। मजा ले किसी को शूटिंग के बारे में भनक भी लग जाए। ए, बच्चे लोग किधर? ये तुमसे पूछ रहा है। ए, मैं स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। जाके अपने प्रोफेसर से पूछो, उसकी मोटी तनख्वाह मिलती है। पूछोगे ना? हाँ, हाँ, पूछेंगे। एकदम मस्त डॉन, तुम कमाल हो। रुकिए सर, आज आपने पढ़ाने का प्रॉमिस किया था। रुक जाए, एटॉमिक साइंस पढ़ाइए ना। सर वो स्पोर्ट्स कोच है सर। सही कहा, मतलब नाटक कर रहा है, कोई खिचड़ी पका रहा है, पता लगा के रहूंगा। उसे आंकने में गलती कर दे, उसके बहाने मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला था पर तुम्हें टॉर्चर करूंगा तब उसे तकलीफ होगी। पढ़ने का शौक जागा है ना, तो ये अच्छी बात है। आज के बाद कॉलेज सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चालू रहेगा। हर एक दिन एक एग्जाम होगा, अगर फेल हो गए तो री एग्जाम, उसमें भी फेल हुए तो री री एग्जाम, उसमें भी लुढ़क गए तो री 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 एग्जाम, जब तक पूरे क्लीन बोल्ड ना हो जाओ। इतना हिल क्यों रहा है? हिल नहीं रहा हूँ, डर से कांप रहा हूँ। लेकिन ये टॉर्चर सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं होगा, ये घर तक जाना चाहिए। हर क्लास की अटेंडेंस, हर टेस्ट का रिपोर्ट, हर एग्जाम का रिजल्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपके पेरेंट्स से मैं पर्सनली मुलाकात करूंगा सर। और क्या यार, ऑलरेडी पेरेंट्स आ गए हैं सर। बुलाने से पहले कैसे आ गए? पता नहीं सर, पहले लगा कि बेटे में काबिलियत नहीं है, अब पता चला कि यहाँ के टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे। बोलो भूमि। ऐसा कुछ नहीं है सर, आधे स्टूडेंट समझ पाते हैं तो बाकी के क्यों नहीं सीख पाते? सर कमजोर बच्चे बहुत है और टीचर्स की जरूरत है। तो क्या करूं, 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 प्रोफेसर अपॉइंट कर दूं? सर 15 लाख रुपए एक ही स्टूडेंट से तो नहीं लेते हो ना, एक काम करो, हर एक से सिर्फ 1.5 लाख रुपए लिया करो। सर जरूर किसी ने चाबी भरी हुई है।
क्वालिफाइड प्रोफेसर्स की ही तो ड्यूटी है कि वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स तैयार करें। क्या आपके इस कॉलेज में ऐसे काबिल टीचर्स हैं? सर, कॉलेज में सारे हाईली क्वालिफाइड लेक्चरर्स हैं सर। अजगर सर, क्या है बेटा? ताजमहल की इमारत इतनी मजबूत कैसे? प्यार की वजह से। ब्लडी इडियट। सर, ये सिविल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था सर, मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। देख लिया आपने सर, ऐसी पढ़ाई करके बाहर किसी को जॉब नहीं मिलेगी, मजबूरन सारे कमजोर स्टूडेंट्स को इसी कॉलेज में टीचर बनना पड़ेगा। सर जरूर कोई तो झोला है। 10th 12th पढ़ने के लिए भी बीएड की डिग्री लगती है सर, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए? तुम्हारा मतलब है टीचर्स के लिए भी एग्जाम हो? सही समझे सर। अगर ये स्टूडेंट्स के बनाए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए तो हम तुरंत इन्हें पढ़ाने के काबिल मान लेंगे, खुशी खुशी इनका लेक्चर अटेंड करेंगे। सर क्या है, मेरा एक ही सपना है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊं, शायद वो पूरा हो जाए। हाँ, ये आइडिया सही लग रहा है सर, क्या कहते हैं आप लोग? सर हाँ, बात ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर ये आइडिया काम करा ना तो इस बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टाफ भी बेस्ट होगा, क्या मस्त एड बनेगा। ठीक है तैयार हो जाओ, पास होने पे इंक्रीमेंट भी दूंगा, और अगर ये फेल हो गए तो सर लात मार के निकाल दूंगा। यहाँ इतना शोर क्यों है? ये क्लासरूम है कि मच्छी मार्केट है? ये कौन है जो यहाँ पे इस तरह चिल्ला रहा है? सारे स्टूडेंट्स एकदम साइलेंट। अरे क्या करूं, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा। हेलो। यस, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मैं कैमरा डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? अरे सुनो, कैमरा डिपार्टमेंट कोई नया ब्रांच है क्या? अरे बार बार कोसना बंद करो, चुप रहो ना, जब देखो डिपार्टमेंट के बारे में पूछताछ करते रहते हो, थोड़ा भरोसा लगता है। पढ़ाई कीजिए ना सर। हाँ ठीक बोल रही हो, मुझे पढ़ना चाहिए। आपको देखकर दया आ रही है, वाट लगी है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं क्या? सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, समझे? पढ़ाई कीजिए। हाँ, और बॉयज गर्ल्स अलग अलग बैठो। किधर को चल दी मिस? एग्जाम। हॉल टिकट किधर है? आई फॉरगॉट। सुबह नाश्ता करना नहीं भूली? गो, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। लेकिन वो मेरे भाई के साथ है, दे आर इन दुबई। ये फालतू के बहाने मत बनाओ, एक घंटे में वो यहाँ पर होने चाहिए। प्लीज साइड में खड़े हो जाइए। यकीन करो मैं सच में तुम्हारी नकल नहीं मारूंगा। तो फिर लिखते रहो। जो भी पढ़ा था सब भूल गया सर। अब समझ आया, अकल आ गई? चलो पेपर लिखो। नो, टाइम अप। अभी एक नहीं बजा है, मेरी घड़ी में हो गए हैं, बाकी पेपर घर पे लिखना। अरे बस 5 मिनट दे दो ना। 5 मिनट में क्या उखाड़ लेगा? अरे अरे सुनो तो मेरी बात। रोमांस का मूड बन गया, ले लो। बाप रे, बच गया। टाइम अप, सब लोग पेपर जमा करो। ए, खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं है तेरी। हाँ, असली गन चाहिए। पोपटलाल को बुलवा, क्लाइमेक्स शूट करना है। सुबह से उसी को फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है। hey, चल कैमरा निकाल। थोड़ी देर में लगाता हूँ। hey, ये खून क्यों बह रहा है? सीनियर देखो। क्या वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। अरे ये तो खून से लग गया। ठीक से चलना सीखा नहीं अभी तक। कुछ नहीं हुआ यार।
हॉट न्यूज़। ए चुप कर, कुछ बोला तो मैं तुझे जान ले लूंगा। बोला तो समझ गया। और तेजा ने इन्हें खूब मारा, इनसे कैमरा छीन अब भूमि को दिखाने वाला है। ए ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये झूठ। डॉन तुम इसकी बात नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे डॉन, प्लीज हमारी बात सुनो। कहीं जाने की सलाह दे डॉन। डॉन सुनो, रुक जाओ। आज उसके चमचे को मारा है, कल उसकी बारी है। तुम्हारी मारपीट का भी सबूत मिल गया है और तुम्हारी नकली एक्टिंग का भी। इट्स अ फिल्म बाय भूमिनाथ। अच्छा वैसे तुम्हारी फिल्म के बारे में तुम्हारे पापा को पता है? सर 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 प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर सर प्लीज सर प्लीज 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 सर। मजा नहीं आया। सर 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 प्लीज 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 सर। बस इतना है। सर सर प्लीज 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 सर सर प्लीज प्लीज। और गिड़गिड़ा। सर सर प्लीज 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 सर प्लीज सर प्लीज सर 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 प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। फिर भी माफी नहीं मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे। सर 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 प्लीज सर प्लीज माफ कर दो सर प्लीज। सर 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 कैसे किया था? सर 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 सर। अच्छा सुनो, कल सुबह इसके बाप को कॉलेज में बुला लो, वो सबूत देखेगा और इसका करियर लाइफ फिनिश इसकी। सर क्या सीख सर वाला? अगर मैं कॉलेज से गया ना तो तुम्हें भी कहीं भेज के रहूंगा। कहाँ? नरक में। अच्छा एक्टर हो, तुम्हें लगा खिलौने वाली गन से डर जाऊंगा? क्या हुआ? भैया सर 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 डॉन सर डॉन सर डॉन सर डॉन सर डॉन सर 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 सर। काफी नहीं है सर 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 सर। और गिड़गिड़ाओ सर 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 सर। मजा नहीं आया सर 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 सर। कितनी भी माफी मांग ले गोली तो मारूंगा। क्यों सर? मुझे तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं सर। अरे यार एक लोचा हो गया, उसके पास असली गन है। डॉन के हाथ में जो गन है वो असली है। सर 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 डॉन की अदला बदली हो गई। सर प्लीज गोली मत चलाइए सर। डॉन सर 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 गन्स की अदला बदली हो गई है। बाला सर देख मेरा एक परिवार है, गोली मत चलाना। मुझे पुलिस के हवाले कर दो। मैं प्रॉमिस पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। एक क्रिकेट पर यकीन करो। मरी हुई माखी का सब पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। नहीं छोड़ सकता तुम्हें।
हर सुबह सबसे पहले स्टूडेंट के जूते, उसके बाल, उसका आईडी, उसकी एक एक बात की जांच करते हैं, लेकिन क्या शाम को लौटते समय उससे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग समझ में आई या नहीं आई? ना पढ़ाई में किसी की मदद करते हैं, ना उन्हें स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटी में कोई ज्यादा बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखते हैं कि वो मशीन बना रहे। सिर्फ आप जैसे शिक्षित गुरु बदलाव ला सकते हैं। जब तक यह बदलाव नहीं आएगा, डॉन सवाल पूछता रहेगा। जय हिंद। कट। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई, पर भूमि ही अच्छे से डरा। कल मेरा भाजी पाला बनने वाला है, आप कॉलेज से और बाप घर से लात मारने वाला है। सोचा असली कॉलेज में क्लाइमेक्स बना दूं, थोड़ा दमदार लगेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये भी शूटिंग वाली गनी है, सब कुछ एक ड्रामा था। सर, मुझे पुलिस का हवाला कर देना। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, प्लीज नहीं छोड़ता तुम्हें। हेलो सर, ये था वो खून, सॉस देख के सांप सूंघ गया। प्लीज मत मारो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मत मारना, मेरी फैमिली है, मुझे मत मारना। कैसे बोल रहा था? मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली है, मत मारो, गोली मत चला, मेरी फैमिली है, गोली मत मारो, गोली मत मारो। इट्स अ फिल्म बाय चक्रवर्ती। कोई अच्छा सा टाइटल सोचो। पहले फोटो तो खींच ले। सर कैमरा की तरफ स्माइल कीजिए ना। चीज बोलना आता है? पनीर भी चलेगी। हमसे पंगा लोगे तो उड़ जाओगे। चलो बोल लो। बोलो नहीं तो शूट कर दूंगा। MRI की रिपोर्ट आ चुकी है, उनके ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा, एक माइनर कॉलर फ्रैक्चर है, अभी वो बिल्कुल सेफ हैं। ओह, थोड़ा आराम करेंगे तो ही विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। ओके। जानबूझकर नहीं किया सर, वो गलती से। बस करो, मेरे कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे तुम लोग, अगर वो मर जाता तो उसके घर वालों को क्या जवाब देता मैं? वीडियो वायरल हो चुका है, कॉलेज का नाम खराब कर दिया। इसके सभी साथियों को फौरन डिसमिस कर दो विद द ब्लैक मार्क। ओके सर। नहीं सर, सर 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, इनकी कोई गलती नहीं है, सब किया धरा मेरा सर। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सबको सस्पेंड करो। ओके सर। लेकिन इसे डिसमिस करके पुलिस में कंप्लेन कर दो। कर दूंगा सर। अपना भविष्य, अपना जीवन, मेरे सपने सब जला डाला, इसकी वजह है सिनेमा। ए, लाखों में सिर्फ एक सफल हो पाता है, बाकी लोग भीख मांगते हैं। इतने सालों से हमें धोखा दिया, आज सीमा पार कर दी, शूटिंग के चक्कर में आज प्रिंसिपल को मार देता। मैं आपको खूनी लगता हूं, मुझे मारता देखा आपने उसे? मानता हूं मैंने झूठ बोले, पर क्यों बोले? आपकी बेवकूफी भरी सोच की वजह से। बचपन से कभी मेरी मर्जी पूछी आपने? पढ़ाई के नाम पे मुझे कठपुतली बना के नचाते रहे, तेज बुखार में भी मुझे स्कूल भेजा, फेल होने पे सर मुंडवा दिया। आपकी मार तो झेल लेता मैं, पर स्कूल में सब टकला गंजा कह के चढ़ाते थे, वो नहीं झेल पाया। आज भी मेरा दिल रोता है। मैंने कहा था मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उससे बचने के लिए अपना हाथ तक फ्रैक्चर किया, पर आपका मन नहीं भरा, टूटे हुए हाथ से एग्जाम लिखने भेज दिया। एक बार भी पूछा मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं। एक दिन माँ के हाथों का बना खाना खाने के लिए घर आया,
तो ग्रेड्स को लेके आपके ताने सुन के भूख मर गई मेरी। ये तक नहीं पूछा कि मैंने ठीक से खाया या नहीं। आज तक मेरी खुशी के लिए कुछ किया आपने? हाँ, मैं खुश रहूं या घुट घुट के मर जाऊं, पर आप इंजीनियर बनाएंगे ताकि एजुकेशन लोन चुका सकूं, यही बात है ना? डरिए मत, आपका लोन चुका दूंगा मैं। आपने इस फिल्म लाइन में सिर्फ उन्हीं मिसालों को देखा है जो सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा। काश आप वो पापा होते जो अपने बेटे को औलाद की जगह दोस्त समझते। लेकिन एक दिन तो क्या एक पल के लिए भी वैसे पापा नहीं बने। इंसान नहीं पत्थर है आप। हे, भूल जा यार, सर्विस सेंटर में दिखा दिया है मैंने। हाँ, डिस्क रिकवर नहीं हो सकती। अब फिल्म जगत की एक खबर, होने वाले फिल्म कंपटीशन को लेकर काफी सारे लोग आगे आए हैं। अभी तक तो हमारे पास लगभग 1000 से ज्यादा एंट्रीज आ चुकी हैं। फिल्म क्वालिटी पर हमारा खास ध्यान है। सारी एंट्रीज आने के बाद हम दूसरी फिल्में शॉर्टलिस्ट करेंगे। इनमें से विनर कौन होगा वो गौतम सर ही तय करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। अब कुछ दिन ही रह गए हैं एंट्रीज भेजने के लिए। ऐसा सुनहरा मौका शायद जिंदगी में ना मिले दोबारा। फिल्म शूट करने में कितना खर्चा होगा? कम से कम 2 लाख लग जाएंगे। लास्ट डेट में थोड़े ही दिन रह गए यार, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। ए, सबसे पहले एक नई कहानी लिख, तब तक मैं फंड का जुगाड़ कर लूंगा। मुंह क्यों लटका रखा है? तुम्हें इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा। और क्या करूं, पापा ने तो मेरी फिल्म ही चला डाली। और नई फिल्म के लिए ना कहानी है, ना वक्त है, ना पैसा है। ज्यादातर एंट्रीज आ चुकी हैं, कंपटीशन जीतना तो दूर, उसमें हिस्सा भी नहीं ले पाऊंगा। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तुम्हारी सकारात्मक सोच। मुश्किल परिस्थिति को भी शांति से संभाल लेते हो। ये लो, इससे शुरुआत कर लो, अपने आप रास्ते निकलेंगे। क्यों अंगू, रास्ते में फिल्म देखते हुए आई थी क्या? इससे तुम्हें क्या, अपनी फिल्म के बारे में सोचो। देखिए ये शॉट बढ़िया रहेगा। अमित पूछना है, पूछ। तुम्हारे घर में शूट कर ले। शूटिंग के लिए घर दे सकते हैं क्या प्लीज पापा? ओके बेटा। तो बताओ डॉन, कैसे हो तुम? आप कैसे हैं सर? एकदम कड़क। तो बताओ कहां तक पहुंची हो तुम्हारी क्रांतिकारी फिल्म? वो तो नहीं रही, एक नई कहानी लिखी है, फिल्म बना डाली है। क्या बात है, सफल फिल्म मेकर बनना, ऑल द बेस्ट। और हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया था, चेयरमैन सर से मेरी बात हो गई। अपनी केटी क्लियर कर लो और डिग्री ले जा। क्या बात है? कुछ नहीं सर, आपने हमेशा कहा यहां से ग्रेजुएट होके जाने नहीं देंगे, तो कहा तो था पर ऐसा करूंगा नहीं, मैं इतना भी बेरहम नहीं हूं यार। किसी ने कहा तुम पे मर्डर का केस करूं, पर मेरा दिल नहीं माना। तुम्हारी लाइफ खराब कैसे करता है?
जब स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो टीचर्स का फर्ज होता है कि उनकी गलतियां सुधारें उनकी भलाई के लिए। मैं भी आज यहां हूं ऐसे ही एक टीचर की वजह से। अब जाओ अपने केटीज वगैरह क्लियर कर लो और इंजीनियर बन जाओ। अरे जाओ ना। अच्छा ए, अगर कॉलेज में कुछ शूट वूट करना हो तो मुझसे कह देना, शूटिंग की परमिशन दे दूंगा। सर सॉरी सर। ए चल भाग। क्या वाकई में सीरियस हो? यकीन नहीं हो रहा। सुनाने के लिए हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर गौतम मेनन ऑन स्टेज। वेलकम सर, प्लीज दो शब्द कहेंगे। यस सर। नमस्ते। सन पिक्चर्स ने ये एक बहुत अच्छी पहल की है युवा टैलेंट को तलाशने की। देखते हैं कौन जीतता है गोल्डन टिकट टू फिल्म इंडस्ट्री। ऑल द बेस्ट। इस कंपटीशन के फर्स्ट फाइनलिस्ट हैं। लेट्स वेलकम वेल मुरुगन ऑन स्टेज। नमस्ते, आप सबका शुक्रिया। माय शॉर्ट फिल्म विल बी गुड। अब बुलाना चाहूंगे मिस्टर चक्रवर्ती को। थैंक यू गौतम सर, आपसे ही प्रेरित होकर फिल्म डायरेक्टर बनना चाहा, हमें मौका देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मैं कहानी के लिए दर दर भटकता रहा, पर लाइफ में घटी एक घटना ने मेरी सोच बदली और मेरा जीवन भी बदला। ये वही कहानी है। मुंह क्यों लटकाई बैठी हो? सच कहूं तो आप पे गुस्सा नहीं हूं, उस आदमी से चिढ़ा हुआ हूं। तेरी बात सुनी मैंने, सुनी और समझ भी ली। उस वक्त तू सिर्फ 6 साल का था, तोतली जबान में बोलता था। ऐसा कोई मंदिर नहीं है बेटा जहां तेरे पापा नहीं ले गए। चमत्कार हुआ, तू कैंची की तरह बोलने लगा। अपने पापा के बारे में जानते क्या हो? आज भी उनका सिर्फ एक ही सपना है कि दुनिया में तेरा अच्छा नाम हो, तुझ पर कोई कर्ज ना हो, तू अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तेरे लिए उन्होंने रिश्तेदारों से उधार मांगा, शर्मिंदा हुए। उम्र भर बस जिल्लत सही है, सिर्फ तेरी खुशी के लिए तुझे सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। तेरे लिए कुछ भेजा है। जा बेटा, उस लड़की को उसके कंगन लौटा दे। तो क्या कहा उसने? मायूस हो गया है वो। हाँ, मुझे जो कहना था वो कह दिया। बच्चे साइकिल सीखते वक्त गिरते ही हैं। माँ बाप भी अपनी परवरिश में की गई गलतियों से सीखते हैं।
दुनिया का हर बाप यही करता है। यही नहीं समझ पाया मेरा बेटा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। भवानी, कोई अपने सपनों के लिए हर दुख झेलने को तैयार हो तो यकीनन उसकी जीत होगी। मेरा बच्चा लाखों में एक है। जब लोग मुझे देखेंगे तो मुझे एक बड़े डायरेक्टर का पापा कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कहें, हाँ, पर उसने आपका अपमान किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा। hey, अभी वो बच्चा है। जाओ। उठिए ना, उठिए। क्या हो गया आपको? याद है मुझे जब पहली बार तुझे अपने हाथों में उठाया था। पता है भगवान से क्या मांगा था उन्होंने? मेरे हिस्से की सारी खुशी इसे देना और इसके हिस्से का दुख मेरी झोली में डाल देना। स्कूल जाते वक्त तो रोया, पर उसके ठीक 10 मिनट बाद कितना हंस रहा था तू। पर तेरे पापा दिन भर चिंतित थे, नंगे पैर कड़ी धूप में बस तुझे निहारते रहे, तुझे लेकर ही घर लौटे। उनकी साइकिल की वजह से घर में 2 वक्त का खाना आता था, इसीलिए वो उसका ख्याल रखते थे। उन्हें हमेशा एक ही डर रहता था कि कहीं तू कमजोर ना बन जाए, इसलिए बुखार में भी तुझे स्कूल भेजते थे। जानता है तू हमेशा कुछ न कुछ लेने के लिए कहा करता था। hey! तुझ पे चिल्लाते पर बाद में बहुत रोते थे। मेरा बस चले तो दुनिया की सारी खुशी मैं इसके कदमों में रख दूं, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से लाऊं? तू जानना चाहता है ना उन्होंने तेरे लिए क्या किया? उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा, बस तेरे बारे में सोचते रहे। तूने कहा ना वो तेरे पिता नहीं बन सकते, लेकिन हर पल हर दिन वो बस तेरे पिता बनकर ही जिए हैं। क्या कभी तूने उनके पैरों की तरफ ध्यान दिया है? अगर कभी देखता तो उन्हें दुख नहीं पहुंचाता। Hey, अभी बच्चा है वो। इंसान नहीं पत्थर है। मेरी पहली फिल्म उसी थिएटर में रिलीज हुई जहां पहली बार मेरी वो शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मूवी काफी अच्छा, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजा। Thank you.
तूने पापा के विश्वास को नहीं तोड़ा। लोग मुझे बड़े डायरेक्टर का पापा कहेंगे। फिल्म हिट है यार, इसे कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सीनियर। वेलकम सर। मेरे लिए? यस सर। थैंक यू। पाक कर दूँ? इधर। जी सर। चीफ गेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई नहीं? डायरेक्टर साहब पधार चुके हैं सर। अरे वो चीफ गेस्ट नहीं है। हाँ? उसे डॉक्टरेट देने वाले हैं क्या? डॉक्टरेट दूंगा? अरे तुम्हारे उस डायरेक्टर की अब तक डिग्री पूरी नहीं हुई है। हाँ? सर प्लीज सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। फैंस हैं? नहीं सर, फैमिली है। सर प्लीज सर। आजा। मैं कैसे? अरे आओ आजा। स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते ही हैं कि ये एक डायरेक्टर है, लेकिन मैं इन्हें कॉलेज के डॉन के नाम से जानता हूं। मुझे हमेशा पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स की खबर रहती थी जो अच्छे मार्क्स लाते थे, लेकिन एग्जाम में कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की अहमियत मुझे इन्होंने ही समझाई थी। कॉलेज के बाद हमारे कई स्टूडेंट्स ने अलग फील्ड्स चुने, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, फोटोग्राफी, कई क्षेत्रों में क्रांति लाई, पर उस क्रांति की शुरुआत इन्होंने की। कई बार इन्हें चीफ गेस्ट की तरह बुलाने की मैंने कोशिश भी की, लेकिन कॉलेज के दिनों की तरह बहाने बना देते थे। लेकिन इस बार मैंने धमकी दे दी कि अगर नहीं आए तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी डिग्री नहीं रखूंगा। वैसे एक बात तो है, अपने करियर का ये मेरा सबसे वर्स्ट स्टूडेंट रहा। सर आ जाओ, कुछ बोलो। आज तक किसी ने मेरा इतना अच्छा इंट्रो कभी नहीं दिया। जब मैं इस कॉलेज में था, लास्ट बेंच पे बैठ के शरारत करता था, क्लासेस बंक करता था, लड़कियां छेड़ता था, मार्कशीट में झोल करता था, इसलिए लोग मुझे बुलाने लगे डॉन। सही नाम था। जो इंसान अपनी प्रतिभा पहचान पाए वो है एक असली डॉन। सर ने बताया कि कॉलेज में सब मुझे डॉन डॉन करके बुलाते थे, लेकिन आज इस नाम पे फख्र होता है, उसका हकदार हूं। सबसे खुशनसीब लोग वो हैं जिनके पास अच्छे दोस्त और घर वाले हों, भगवान का आशीर्वाद मिला है उन्हें। स्टूडेंट्स होके प्रोफेसर्स की खूब टांग खींच के हमारे अंदर एक हीरो वाली फीलिंग आ जाती थी, लेकिन जब वो हमें माफ कर देते तब हमारे हीरो बन जाते। इसलिए मेरे सबसे बड़े हीरो तो भूमि सर ही है। सर थैंक यू सो मच। सर एक और भी इंसान है जिसकी वजह से सफल हो पाया, और वो है मेरे पापा। उनका सपना था कि एक दिन मुझे स्टेज पर यह डिग्री मिले। जब जब मुझे वक्त मिला मैं पढ़ाई करके केटी क्लियर करता रहा, और अब डिग्री मिल गई। बच्चों को हीरो बनाने के चक्कर में पिता अपनी आखिरी सांस तक विलन बने रहते हैं, और मेरे पापा ने मुझे सुपर हीरो बनाया और खुद मेरे लिए उम्र भर सुपर विलन बने रहे। बाप बाप की सख्ती को उनका प्यार समझे, उन्हें खुश रखे, उनकी इज्जत करे। ऐसा ना हो जब तक एहसास हो और वो शायद दुनिया में ही ना रहे।
थैंक यू।